स्वागत है आपका लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान में। आज न्यू क्वेश्चन के साथ में आई हूँ। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेस्टेशन ऑफ फूड, यानी कि सलाइवा का काम बताओ। सलाइवा क्या है? राल होती है जो हमारे मुंह में होती है, ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से राल निकलती है। कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो ये पानी का काम क्या है? बहुत बहुत काम है ये। पानी नहीं होता ना तो मुश्किल हो जाती जिंदगी, सूखा सूखा रहता सब कुछ। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेस्टेशन ऑफ फूड, फूड में, खाने में, सलाइवा में, मतलब इसका काम क्या है? सॉरी, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम, एंजाइम वही एंजाइम की बात हो रही है, एंजाइम रखता है। एंजाइम होते क्या हैं? एंजाइम एक पिगमेंट समझ लो, एक एक चीज़ समझ लो जो हेल्प करती है। एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम रखती है अपने साथ। दीज एंजाइम आर प्रेजेंट इन अवर सलाइवा, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प ब्रेक द फूड एंड हेल्प अस टू स्वेलो द फूड। पूरा कंप्लीट ब्रेक होना, छोटे छोटे टुकड़ों में बटना, उसमें से प्रोटीन अलग होना, फैट अलग होना, तो इंटेस्टाइन में होता है। इससे पहले जो हम निवाला खाते हैं, उसके बाद निवाला इतना बड़ा निकल के हमारी फूड पाइप में तो चौक हो जाएगा, अटक जाएगा, तो उसको अटकने के बचाने के लिए ये छोटा छोटा कर देता है और निगलने में, स्वेलो करने में हेल्प करता है। तो ये है इसका। दूसरी बात, ये स्टार्च खाने में से स्टार्च और शुगर वगैरह को भी अलग करता है। और जो हमारी सलाइवा होती है ना, काफ़ी ज़्यादा चिकनी सी होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी सी होती है, और जो खाने में वो अच्छा करती है। हर चीज़ का अपनी बॉडी में एक अलग रोल है। मैं तो ऊपर वाला जो है और डॉक्टर को, उसको तो वाकई में उसकी हिम्मत को शाबाश चाहिए। डॉक्टर कैसे, एक सर्जन होता है जो MBBS होता है, वो कैसे पूरी बॉडी को समझ लेता है वाकई में। मतलब हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे जो एक डॉक्टर होता है। हम तो फिलहाल एक एक पढ़ाने वाले हैं, एक तो पढ़ा देते हैं बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वॉट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी पूरे डाइजेस्टेशन सिस्टम में खाने को पचाने में जो भी एंजाइम है, उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन बताइए आप, क्या अहमियत रखते हैं वो हमारी ज़िंदगी में? हमारे अगर उनमें से कोई एक भी हटा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से और आराम से देखते हैं। फिगर तो है नहीं मेरे पास, तो विदाउट फिगर समझने की कोशिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरा अपना 101% दूंगी कि आप इस चीज़ को समझ जाएं। क्या एम आई एबल टू हैंडल इट? ओके, तो देखते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट द लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये लंबी लंबी मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख दी, जिसपे मैंने ये बता दिया कि जो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, चाहे वो कोई सा भी ले लो, उनका काम ये होता है कि बड़े बड़े इनसॉल्युबल जो मोटे मोटे होते हैं, उनको पतला और पानी में बदल देता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेशन। इतना तो हमने बता दिया। अब हम फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, उठाते हैं अपने अपने एक 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 लंग उठा लेंगे, सॉरी एक ग्लैंड उठा लेंगे, एक ग्लैंड का एंजाइम उठा, उसके बारे में बताएंगे। तो पहला तो मैं बता दूँ, पैनक्रियास। पैनक्रियास सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब निकालता है एंजाइम लाइक एमाइलेज, एमाइलेज नाम का एक एंजाइम निकालता है, ट्राइप्सिन और लाइपेज नाम का, ये तीन निकालता है पैनक्रियास, तीन का तीन निकाला है। देखो इन तीन के काम देखते हैं। दीज एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड, फूड को तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल अब देखिए, तीनों के काम देखते हैं हम। बाइल तो फैट को करता है, और वो एग्जाम्पल एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, सारा जो बॉडी में जो स्टार्च होता है ना, उसको ब्रेक करता है एमाइलेज। अब बात करेंगे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन, सारा का सारा प्रोटीन, जितना भी प्रोटीन है ना, जो पैनक्रियास का तो फंक्शन ही है, पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम जो होते हैं फैट को, प्रोटीन को, इन सबको तोड़ते हैं। तो अब इंडिविजुअली पढ़ना है, सारा प्रोटीन जितना भी हमने, मान लो मैं एग खा रही हूँ, मैं बॉयल एग खा रही हूँ, मैं चिकन खा रही हूँ, उसमें जो भी प्रोटीन होगा ना, उस फूड में से प्रोटीन को अलग ये करेंगे जो पैनक्रियास से आते हैं। एंड लाइपेज ब्रेक डाउन द फैट इंटू फैटी एसिड, फैट को अलग करता है। तो देखा आपने कि किस तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम है, हर एंजाइम का अपना एक अलग काम होता है। कुछ एंजाइम खाने को चिकना करते हैं, कुछ एंजाइम खाने में से फैट निकालते हैं, कुछ एंजाइम खाने में से प्रोटीन निकालते हैं, कुछ स्टार्च को अलग करते हैं। तो फिलहाल ये डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में बता रही हूँ, पैनक्रियास के बारे में बोला है मैंने। इसमें मैं बाइल में नहीं गई हूँ, मैं लिवर में नहीं गई, मैं लिवर में अपनी पिछली वीडियो में चली गई। तो मैंने अपनी इस वीडियो में सलाइवा का क्या रोल है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी पार्ट में, हमारे खाने के अंदर, प्लस व्हाट द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे नोट्स को अच्छे से देख सकते हैं, ये ऑथेंटिक और एक्यूरेट हैं। तो मैं एक टीचर हूँ और टीचर के हिसाब से मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट को किसी भी चीज़ में परेशानी ना हो।